नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी एक इम्पोर्टेंट कानून का प्रिंसिपल समझने वाले हैं और इस प्रिंसिपल का नाम है रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी। रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी को शाश्वतता के विरुद्ध नियम भी कहा जाता है और निरंतरता के विरुद्ध भी नियम कहा जाता है। ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और ये सिविल जज यानी जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, LLB के एग्जामिनेशन में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और यूं भी नॉर्मल वे में भी इसे समझना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं, रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी क्या होता है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में, जहां पर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और आज इसी कड़ी में हम समझने वाले हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम। इसको रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी कहते हैं। परपेचुटी वर्ड परपेचुअल से बना है। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूइंग। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये संपत्ति अंतरण का नियम है, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नियम है। जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो दो पार्टी होती है, एक होता है ट्रांसफरर और दूसरा होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो होता है अंतरणकर्ता और ट्रांसफरी वो होता है जिसे संपत्ति दी जा रही है। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरर, क्या वो कोई ऐसी कंडीशन डाल सकता है जो कि उस संपत्ति को हमेशा के लिए बांध दे? मतलब ये बांधने का मतलब यहां पर रस्सी से बांधने का नहीं है, यहां पर बांधने का मतलब है क्या अंतरणकर्ता कोई ऐसी शर्त लगा सकता है कि वह प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उसके परिवार में ही रहे या ट्रांसफरी के पास ही रहे, वो फर्दर उसको कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, या इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट कर सकता है कि वो हमेशा के लिए वो प्रॉपर्टी उसने एक ही डॉक्यूमेंट में हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी का क्या कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी, फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए कर दी। ऐसा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 14 में क्लियर कट कहा गया है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी ये नियम है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यानी निरंतर संपत्ति को कोई व्यक्ति बांध नहीं सकता है, निरंतर उसके ट्रांसफर पे कोई व्यक्ति रोक नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार ये संपत्ति अंतरण अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो हमारे देश में अचल संपत्ति के ट्रांसफर के ऊपर लागू होने वाला कानून है, उसकी धारा 14 में इस प्रिंसिपल को जगह दी गई है, उस प्रिंसिपल को स्थान दिया गया है। यहां पर शाश्वतता का मतलब फॉरएवर है, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, तो शाश्वतता हमेशा के लिए। अब जरा इस हमेशा के लिए पुट कर दीजिए इस शब्द पे, रूल अगेंस्ट परपेचुटी यानी हमेशा के लिए के विरुद्ध सिद्धांत। तो परपेचुअल का मतलब यहां पर निरंतर है, लास्टिंग, फॉरएवर, हमेशा के लिए चलने वाला। इसको हम एक बार थोड़ा उदाहरण से देख लेते हैं तो हमको आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण ये है कि मान लीजिए ए एक प्रॉपर्टी का मालिक है, ए इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो उस प्रॉपर्टी के बारे में एक दस्तावेज बनाता है, भले वो वसीयत बना लेता है या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना लेता है, डीड बनाता है, और उस डीड में वो ये लिख देता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बाद बी को जाएगी, मेरे बेटे के पास जाएगी, और मेरे बेटे के बाद मेरे पोते के पास जाएगी, सी के पास, टू माय ग्रेट ग्रैंडसन, और उसके बाद डी मतलब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन के पास जाएगी, मतलब मेरे परपोते के पास जाएगी। इस प्रकार ए ने एक डॉक्यूमेंट में 10 पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी के बारे में व्यवस्था कर दी। तो क्या इस प्रकार का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा? नहीं, वैलिड नहीं होगा। धारा 14 में ये इनवैलिड होगा, वॉइड होगा, क्योंकि ए ने जो काम किया है वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी किया है, मतलब शाश्वतता के विरुद्ध नियम यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब होता है टाइप करना, यानी कोई आदमी प्रॉपर्टी को टाइप नहीं कर सकता। टाइप का मतलब यहां पर बांधने से है, यानी बांधना मतलब रस्सी से बांधने की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा के लिए उसकी व्यवस्था करने की बात हो रही है। तो धारा 14 कह रहा है कि कोई व्यक्ति संपत्ति के लिए हमेशा के लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है। इनडेफिनेट पीरियड, यानी कोई आदमी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनंत काल के लिए प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकता है, यानी प्रॉपर्टी के बारे में अरेंजमेंट नहीं कर सकता है। ये नियम देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। क्यों पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, यानी लोक नीति के विरुद्ध क्यों है? इस पहली बात तो ये है कि यदि हम किसी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए उसका यदि व्यवस्था कर देंगे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं रहेगी। ट्रांसफरेबल मतलब संपत्ति अंतरण योग्य नहीं रहेगी, यानी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी ये कहती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए हमेशा, यानी संपत्ति एक दूसरे को अंतरण करने योग्य होनी चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है। आप सभी को पता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और इसका एक लीडिंग केस है विडबाय वर्सेस मिटशेल, 1890 का इंग्लैंड का केस है विडबाय वर्सेस मिटशेल। इट इज अ लीडिंग केस ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुटी। और इस केस में भी ये कहा गया था कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के लिए अनंत काल की व्यवस्था कर देगा तो इस स्थिति में वो ट्रांजेक्शन वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो है वो शून्य माना जाएगा। और इस सिद्धांत को कहां जगह दी गई है? तो इस सिद्धांत को इंग्लैंड में
लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1985 की धारा 161 में जगह दी गई है, और यदि भारतीय कानून को हम देखें तो भारतीय कानून में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 14 में, और इंडियन सक्सेशन एक्ट यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 114 में इसे जगह स्थान दिया गया है। तो ये है मित्रों रूल अगेंस्ट परपेचुटी। आई होप हमने इजी लैंग्वेज में इसको कवर किया। आज हम लोगों ने इसमें इसके एग्जांपल्स देखे और कहां पर भारतीय कानून में रूल अगेंस्ट परपेचुटी को रखा गया है और इस प्रिंसिपल का कौन सा लीडिंग केस है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।